देखिए, पहले लेट y इक्वल टू में दिया है log cosec x माइनस का cot x। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ log cosec x माइनस का cot x y में, किसके रेस्पेक्ट में, तो cosec x माइनस cot x के रेस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cot x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई cosec x माइनस का cot x इंटू cosec x का होगा माइनस का cosec x इंटू cot x, और यहाँ cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, तो प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर x। अब चलिए ऊपर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कुछ क्या दिख रहा है कॉमन, पहले इसको लिख देते हैं 1 बाई cosec x माइनस का cot x, ऊपर से हम लोग ना cosec x कॉमन कर लेते हैं cosec x, तो ये पहले प्लस वाला लिख देते हैं cosec x, और यहाँ माइनस का cot x बच जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर cosec x। समझ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31।